नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई और 7 पर हार का सामना करना पड़ा। तभी से लगातार राजनीतिक पंडित समाजवादी पार्टी की इस हार और भाजपा की जीत के तरह तरह से मायने निकालने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं शुरू से ही आपको कह रहा हूं कि उपचुनाव जनता का चुनाव नहीं होता, सत्ता का चुनाव होता है। जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव जीत ही लेती है। यही वजह है कि इसका 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी मिल्कीपुर एक बहुत ही मशहूर फेमस सीट हो गई है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की वजह से। ये यहीं से विधायक थे, अब अयोध्या के सांसद बन गए हैं, सीट खाली हो गई है और यहां पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी के कई महत्वपूर्ण नेता, लेकिन जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का चल रहा है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी में थोड़ी सी समस्या आ गई है। क्या है, आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं ये अमर उजाला की खबर है कि अभी हाल से उबर भी नहीं पाई थी सपा कि इस चर्चित सीट पर टिकट को लेकर अंतर कलह शुरू हो गई है। कहीं कटहरी वाला परिणाम यहां पर भी ना देखने को मिले। देखिए, कटहरी में भी हम ये कह रहे थे एक ही परिवार के लोगों को बार बार टिकट देना ठीक नहीं है। यही बात मैं मिल्कीपुर में भी कह रहा हूं कि एक ही परिवार, अगर अवधेश प्रसाद जीत गए हैं तो उनके बेटे को ही यहां से विधायक बनाया जाए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे समाज जुड़े हुए हैं, सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये हैं सूरज चौधरी जी। सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ऐसे वैसे नहीं, बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं। इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इनका आरोप क्या है, आइए देखते हैं। इनका कहना है कि आप यहां देख सकते हैं यूपी के अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में कलह शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं सूरज चौधरी और इन्होंने अपने 500 साथियों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। सूरज चौधरी ने सांसद अवधेश प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। परिवारवाद क्या है, कि यही कि अपने बेटे को यहां पर टिकट देना चाह रहे हैं। देखिए, परिवारवाद हर जगह है, हर पार्टी में है। इसको खाली समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी से जोड़ना ठीक नहीं है। भाजपा में भी परिवारवाद है, लेकिन अब यहां अगर अपने बेटे को ही टिकट दिलाते हैं अवधेश प्रसाद, तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में तो होगा ही, आगे चल के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा है सूरज चौधरी ने कि सांसद बन जाने के बाद भी उन्होंने हमें टिकट ना दिलवाकर अपने बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिलवा दिया। वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है। सूत्रों की माने तो अब वह भीम आर्मी के संपर्क में है। भीम आर्मी भी एक नई ताकत बन के उभर रही है उत्तर प्रदेश में। बसपा को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और अगर भीम आर्मी ज्यादा आगे बढ़ेगी तो ये समाजवादी पार्टी को भी कुछ हद तक जरूर नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया है कि दलितों ने सपा के समर्थन में काफी ज्यादा वोट किया हुआ था। ऐसे में अगर यहां पर अपने ही कार्यकर्ताओं को सपा खुश नहीं रख पाएगी तो उसका नुकसान होगा। सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो नारा दिया है उसमें सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है और एक ही परिवार के लोगों को बार बार मौका नहीं मिलना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।